रोज़ रोज़ की वही रोटी सब्जी खाकर अगर आप परेशान हो गए हैं तो चलिए आज बनाते हैं पनीर रोल। तो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो पनीर रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से पनीर लिए हैं, उसे कट कर लेंगे। और ना पनीर को कट करने के बाद ना इसे हम मैरिनेट करेंगे। पनीर को मैरिनेशन करने से ना इसका टेस्ट अच्छा आता है और ना ये जो पनीर के जो हम रोल बनाएंगे ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसके लिए ना मैंने थोड़ा सा लिया है हंकड़। तो दही को मैंने थोड़ा सा इस तरह से जाली में छान के रख दिया था जिसका एक्स्ट्रा पानी निकल गया। अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, हल्दी, थोड़े सा नमक ऐड करेंगे, कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, जीरा पाउडर और ना धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है और बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, कसूरी मेथी और इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल ऐड करने से ना इसमें अच्छी सी एक महक आती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अपना सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी जिसे मैंने रफली चॉप करके इसे दरदरा सा कूट लिया था। आप चाहे तो पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें पनीर ऐड करेंगे क्योंकि ना पनीर को थोड़ा हल्के हाथों से मिक्स करेंगे वरना पनीर टूटने का डर रहता है। और साथ ही में मैं इसमें थोड़े से जीरा का पाउडर ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना पनीर का मैरिनेशन ना बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे छोड़ देंगे कुछ देर के लिए ताकि पनीर दही वगैरह सभी अच्छे से कोट हो सके। अब यहाँ पे ना चिली विनेगर बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे विनेगर लिया, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है और इसमें चिली ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे सारी सब्जियों को काट के रखा है। पैन गरम करेंगे, पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ऑयल गरम हो जाने के बाद ना इसमें हम मैरिनेशन हमने जो पनीर का बना के रखा था उसे डाल देंगे। तो पनीर का मैरिनेशन डालने के बाद इसे हमें 2 से 3 मिनट तक इसे थोड़ा सा चलाएंगे। आप देखेंगे कि पनीर अपना कलर चेंज कर देगा और थोड़ा सा ये डार्क कलर का हो जाएगा। अभी आपको लाइट दिख रहा होगा लेकिन ये थोड़ी देर में अब डार्क कलर का हो जाएगा। तो हमने अपना थिक वाले दही का यूज़ किया था जिससे कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं निकला। अब पनीर जैसे थोड़ा सा हमें फ्राई करने के बाद ना हमने जो वेजिटेबल्स काट के रखे थे जैसे पत्ता गोभी, गाजर, टमाटर और कैप्सिकम वगैरह, आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे आलू वगैरह ऐड करेंगे ना थोड़े से हार्ड होते हैं, अपना बॉइल्ड करके यूज़ करें। और मैंने यहाँ पर नॉर्मल जैसे कैप्सिकम वगैरह ही यूज़ किया है। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है। तो सब्जियों का हमें क्रंच नहीं हटाना है, बस थोड़ा सा हमें सॉटे कर लेना है। तो सब्जियों को हमें 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ऊपर से थोड़ा हमें नमक डालना है। याद रहे कि हमने नमक पनीर को मैरिनेशन करते समय भी डाला था। यहाँ पे पनीर बनकर तैयार है, इसे गैस को बंद कर देंगे। आप इस फिलिंग को ना पराठे वगैरह में भी रोल करके दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे उसकी रोटी लिया बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे आटा लिया है। 1 कप फुल भर के मैंने आटा लिया, उसमें 1 मुट्ठी के करीब इसमें सूजी डाला है। सूजी डालने से ना इसमें अच्छी सी क्रिस्पनेस आती है, आप स्किप कर सकते हैं। और आटे के बदले ना आप इसे में मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे ना मैं थोड़ा सा चला लूँगी ताकि सूजी और आटा अच्छे से मिक्स हो सके और ना सूजी थोड़ी सी आटे के जैसे थोड़ा सा सॉफ्ट पॉलिश हो जाए, पाउडर फॉर्म में आ जाए। अब इसमें ना नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना उसी तरह से हमें गूंथ कर इसे तैयार करना है। तो मैं यहाँ पे ना आटा और सूजी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो केवल आटे का भी ले सकते हैं लेकिन वही है ना कि सूजी डालने से ना ये जो रोल हम बनाएंगे ना थोड़ी क्रिस्पी बनते हैं, अदरवाइज आप इसे चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो इसे नॉर्मली हम जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसे सॉफ्ट डो लगाकर गूंथ लेंगे। तो हमने यहाँ पे ना सूजी का यूज़ किया है तो सूजी तो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है इसलिए थोड़ा सा हमें सॉफ्ट डो ही तैयार करना है। अब इस डो को ना मैं रख दूँगी कुछ देर के लिए रेस्ट के लिए। तो आटे को मैं आधे घंटे बाद चेक कर रही, ये ना मतलब सॉफ्ट हो चुका था। अब इसे थोड़ा सा और गूंथ कर चिकना कर लेंगे। तो आप ना ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑयल का यूज़ नहीं किया है। अपना आपको जितनी बड़ी या फिर छोटी लोई चाहिए उस हिसाब से आप इसमें आटा इसका लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़े साइज़ का रोल तैयार करूँगी, हाथों में थोड़ा सा आटा लगा कर इसकी लोई मैं तैयार कर लूँगी। तो आज मैं जो इसके लिए रोल बनाऊंगी ना तो
थोड़ा सा लच्छा वाला इफेक्ट दूंगी। आप चाहे तो इसे नॉर्मल जो रोटी बेलते हैं ना उसी तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो पहले सबसे पहले लोई में थोड़ा सा आटा लगा कर ना इसे नॉर्मल थोड़े से बड़े साइज़ का मैं इसे गूंथ लूँगी। गूंथने के बाद ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, ऑयल को अच्छे से स्प्रेड करूंगी चारों तरफ ताकि ऑयल चारों तरफ अच्छे से रोटी में लग सके। ऊपर से थोड़ा सा हम आटे की डस्टिंग करेंगे। आटे की डस्टिंग करने से ना रोटी एक दूसरे से चिपकती नहीं है। वैसे तो लच्छा पराठा बनाने के और कई तरीके हैं, तो मुझे ये तरीका ना थोड़ा सा सिंपल लगता है लच्छा पराठा बनाने के लिए। तो साइड से हमें थोड़ा सा कट करना है और इस तरह से इसे राउंड राउंड रोल करते हुए हमें पूरा एंड तक इसे ले जाना है। अब इसे रोल करते हुए हमें ना इसका एक डो जैसा तैयार कर लेना है। आप वीडियो में जिस तरह से देख रहे हैं हमें उसी तरह से इसे बना लेना है। अब थोड़ा सा आटा लगाते हुए हम इसे बेलेंगे, तो हमें इसे ज़्यादा प्रेस नहीं करना है वरना इसके जो लच्छे हमने जो तैयार किए हैं ना वो नहीं बनेंगे। तो मैं यहाँ पर ना इसे साइड से थोड़ा थोड़ा सा इसे हल्के हाथों से बेल रही हूँ। तो ये मैंने लोई थोड़ी सी बड़ी ली थी, तो इसका बड़ा सा मतलब रोटी बना कर मैं तैयार कर लूँगी। तो अभी आपको ये थोड़े से लच्छे आपको दिख रहे होंगे, तो अब इसकी हम रोटी बना लेंगे। तो तवा गरम करेंगे, तवा को अच्छे से गरम होने के बाद इसे सेक लेंगे, दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए सेक लेंगे। अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लूँगी। आप चाहे ना घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से ऑयल डालकर इसे अच्छे से क्रिस्पी होने सिक जाएगा, क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड किया था तो ये अच्छे क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ना पराठा तो बनकर तैयार है, तो चलिए अब इसकी फिलिंग करते हैं। तो ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें मेयोनीज डालेंगे, थोड़ा सा टमाटो सॉस और थोड़ा सा सेजवान सॉस ऐड करेंगे। अभी मैं सभी चीज़ों को अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी रोटी के चारों तरफ। अच्छे से स्प्रेड कर लेने के बाद ना आप इसमें ना चाट मसाला ऊपर से डाल सकते हैं और या फिर नमक वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब ना इसमें थोड़ा इसमें फिलिंग डाल दूंगी, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसमें फिलिंग डाल सकते हैं। तो फिर इसके बाद ना ऊपर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा नींबू का रस डाल दूंगी और फिर थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, थोड़े से बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। आप ना इसे छोटी मोटी भूख के लिए बच्चों को दे सकते हैं और ना इसकी फिलिंग को आप बनाकर रख भी सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ना टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसे आटे से और सूजी से बनाया है, इसमें कोई भी मैदा हमने ऐड नहीं किया है। ऊपर से मैं यहाँ पे विनेगर का जो चिली विनेगर बनाया था उसे डाल दूंगी और थोड़ा सा मेयोनीज ऊपर में डाल दूंगी। तो यहाँ पे ना मेरा पनीर रोल बनकर तैयार है। अब मैं इसे पेपर में रोल कर दूंगी। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लगी अपना एक कमेंट्स करिएगा और लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन को अभी तक अगर आपने ऑन नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।